मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और गुज़श्ता किसी वीडियो में मैंने लोशो ग्रिड का जिक्र किया था। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि होम्योपैथी का इससे क्या ताल्लुक है। डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक साहब जो है उन्होंने कहा है कि केस टेकिंग के बारे में बताया जाए। दरअसल ये दोनों मौजूदात इस कदर वसी हैं कि अगर मुझ जैसा कम इल्म तालिब इल्म कम अज़ कम एक साल तक इस मौजू पर लेक्चर रिकॉर्ड करवाए तो सिर्फ सेलेबस मुकम्मल होगा। इस मौजू का मुकम्मल अहाता करना इतने टाइम में बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इस सिलसिले में कुछ इशारे आपके लिए छोड़ता हूँ जिससे आप अपने लिए अपना रास्ता हमवार कर सकते हैं। होम्योपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें दूसरे तमाम अलूम के समोए जाने की गुंजाइश है, बशर्ते कि वो होम्योपैथी का जो बुनियादी असूल है यानी डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स उससे मुतसादम ना हो। सादा इसी मिसाल से यूं समझ लीजिए कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो सिर्फ उर्दू जबान से वाकफियत रखता है तो उसका इल्म वैसा नहीं हो सकता जो उस डॉक्टर का होगा जिसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रखा है। इसी तरह से अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर एक से ज्यादा जबानों से वाकफियत रखता है, मसलन वो अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच और जर्मन जबानें भी जानता है, तो उसका कैनवस ज्यादा ब्रॉड होगा। इसी तरह अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर एनाटमी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी जैसे मजामीन से वाकफियत रखता है तो उसके मरीज देखने समझने और दवा देने की सलाहियत बहुत मुख्तलिफ होगी। तो आप जितने ज्यादा उलूम से वाकिफ होंगे आपका कैनवस उतना ही ब्रॉड होगा। मसलन साइकोलॉजी जिसमें पढ़ रखी है, ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर दिमागी अलामात को ज्यादा बेहतर समझ और इंटरप्रेट कर सकता है। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर ये मुख्तलिफ अल्टरनेटिव थेरेपीज और एंसिलरी टेक्निक्स की एक लिस्ट नजर आ रही है। इसमें से बाज चीजें ऐसी हैं जिनका खुद होम्योपैथी के मूजिद डॉक्टर हनीमन ने भी जिक्र किया है। मसलन जैसे मिस्मरिज्म है या हाइड्रोथेरेपी है या मैग्नेटोथेरेपी है, तो हनीमन ने आर्गेनन के आखिरी पैराग्राफ में इन अल्टरनेटिव थेरेपीज का जिक्र किया है कि होम्योपैथी के साथ आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये होम्योपैथी के जो बुनियादी नजरिया है उससे मुतसादिम नहीं है। तो ये एक मुख्तसर सी लिस्ट है अल्टरनेटिव टेक्निक्स की कि अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर इन अलूम से वाकफियत रखता हो या इनमें से चंद एक अलूम से भी वाकफियत रखता हो तो उसका होम्योपैथी दवा सिलेक्शन का जो तरीकाकार है या जो उसकी एक्सपर्टीज है उसमें बहुत अजाफा हो जाता है। जैसे एक्यूपंक्चर है तो इसमें भी आप देखें कि एक्यूपंक्चर साइंस में बुनियादी नजरिया वही है जो कि होम्योपैथी का है यानी डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स का। तो यहाँ वाइटल फोर्स को ची कहा जाता है और यिन और यांग एनर्जी में ट्रांसलेट किया जाता है और उसके जरिए से बीमारियों की तशखीस और इलाज किया जाता है। इसी तरह एरोमा थेरेपी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बोवेन टेक्निक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है इसमें जो पल्स डायग्नोसिस है उससे आप मरीज की बीमारियों के बारे में अंदाजा कर सकते हैं, या तिब की जो पल्स डायग्नोसिस के तरीके हैं, एक्यूपंक्चर के भी पल्स के डायग्नोसिस के तरीके हैं। तो इन तमाम चीजों से आपका कैनवस ब्रॉड होता है।
एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी पढ़ने का ये मकसद नहीं है कि आप होम्योपैथी का जो बेसिक नजरिया है उसको छोड़कर आप उस थेरेपी को अडॉप्ट कर लें। उसका फायदा आपको ये होता है कि मर्ज बीमारी को समझने और मरीज का इलाज करने में आपका कैनवस बहुत ब्रॉड हो जाता है। तो हिप्नोथेरेपी है, मसाज है, मेडिटेशन है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, रिकी है, तो अगर मस्मरिज्म के जरिए इलाज हो सकता है तो वही तकरीबन रिकी भी उसी फैमिली से इसका भी ताल्लुक है। रिलैक्सेशन थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, बॉडी वर्क्स एंड मूवमेंट थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक है, एनर्जी मेडिसिन, डाइट थेरेपी, ये खुराक से जो इलाज किया जाता है, इलाज बिल गिजा जिसे आप कहते हैं। तो अगर आप इस इल्म से वाकफियत रखते हैं तो मरीज के लिए आप बेहतर गिजाएं तजवीज़ कर सकते हैं उसकी बीमारी के हवाले से। इसी तरह मैग्नेटोथेरेपी है, कलर थेरेपी है, अगर आप इससे वाकफियत रखते हैं तो मुख्तलिफ कलर्ड वाटर से या उन रंगों की रोशनियों से आप मरीज को फायदा पहुंचा सकते हैं। इरिडियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें आप आंख के आयरिस को कैमरे के जरिए रिकॉर्ड कर लेते हैं और उससे तशखीस भी होती है और बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। इसी तरह पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इल्म रमल है और बैच फ्लावर रेमेडीज। तो अगर मैं इन तमाम मौजूआत का सिर्फ तारुफ भी करवाऊं तो हर एक के लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगर वक्त और मौका मिला तो हम इसको अलग-अलग भी देखेंगे कि होम्योपैथी में हम इन उलूम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज का जो मौजू है वो चूँकि सवाल किया गया था इसलिए आज मैं सिर्फ लोशो ग्रिड के हवाले से आपको बताऊंगा कि इसको होम्योपैथी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइनीज जिस नक्श को लोशो ग्रिड कहते हैं ये दरअसल हजरत हवा अस्सलामुल्लाह अलैहा के इसमें ग्रामी जो है उन के नाम के अदद का नक्श है। ये बुनियादी तौर पर तो ये हमारा विरसा है लेकिन इसके रूहानी और तिलसमाती जो फायदे हैं वो दूसरे हासिल करते हैं। हमारे यहाँ अमलियात की दुनिया में इसे 15 का नक्श मुसलस कहा जाता है। ये जो इस वक्त आपको ये ग्रिड सा नजर आ रहा है इसमें 9 खाने हैं और हर खाने में एक अदद लिखा हुआ है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इसकी एक खास तरतीब है। और ये तरतीब इस तरह से रखी गई है कि आप इसको जिस तरफ से भी जमा करेंगे तो इसका मजमुआ 15 हासिल होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पहला रो है जिसमें 4, 9, 2 लिखा हुआ है इसको अगर आप जमा करें तो इसका मजमुआ 15 होगा। 3, 5, 7 को जमा करें मजमुआ 15 होगा। 8, 1, 6 को जमा करें मजमुआ 15 होगा। 4, 3, 8 को जमा करें मजमुआ 15 होगा। 9, 5, 1 को जमा करें मजमुआ 15 होगा। 2, 7, 6 को जमा करें तो मजमुआ 15 होगा। इवन आप इसके जो डायगोनल रोज हैं यानी 2, 5, 8 को जमा करें तो मजमुआ 15 है और 4, 5, 6 को जमा करें तो तब भी इसका मजमुआ जो है वो 15 आएगा। तो इसे अमलियात की दुनिया में नक्श मुसलस कहा जाता है लेकिन चाइनीज इसको लोशो ग्रेड कहते हैं और हिंदू इसको लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। तो इसमें जो ये रोज आपको नजर आ रही हैं इसमें इनको मुख्तलिफ रंग भी दिए गए हैं। अगर आप देखें तो ये 2, 5 और 8 जो हैं इनमें येलो कलर है। तो जो लोग एक्यूपंक्चर से वाकफियत रखते हैं तो वो जानते हैं कि एक्यूपंक्चर में 5 एलिमेंट का जिक्र किया जाता है, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर और वुड।
तो वही पांच एलिमेंट जो हैं वो इन जो आदाद हैं इनसे भी मंसूब हैं। तो ये दो पांच आठ जो है इनका ताल्लुक, ये जो खाने हैं इनका ताल्लुक और इन आदाद का ताल्लुक अर्थ से है। सेवन और सिक्स जिन खानों में लिखा हुआ है इनका ताल्लुक मेटल से है। जहां पर एक लिखा हुआ है इसका ताल्लुक वाटर से है। ये तीन और चार जिसको ग्रीन कलर दिया गया है इसका ताल्लुक वुड से है। और जिस खाने में नौ लिखा हुआ है इसका ताल्लुक फायर से है। तो इस तरीके से हर अदद जो है उसकी एक सिमत भी मुतय्यन कर दी गई है। तो ये जो नक्श है, नक्श मुसलस कहें या इसको आप लोशो ग्रिड कहें, तो इससे आप अगर किसी शख्स की डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम हो तो उसका ये लोशो ग्रिड ड्रा करके आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ अंदाजा कर सकते हैं। और उसको, इस नॉलेज को आप उसकी मेडिसिन की सिलेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, ये हर नंबर का ताल्लुक किसी ना किसी स्टार से है। मसलन जो एक नंबर है ये सन का अदद है, दो नंबर मून का अदद है, तीन नंबर जुपिटर का अदद है, चार नंबर यूरेनस का अदद है, पांच नंबर मरकरी का अदद है, छह नंबर वीनस का अदद है, सात नंबर नेपच्यून का अदद है, आठ नंबर जो है ये सैटर्न यानी जोहल का अदद है, और नौ जो है ये मरीख यानी मार्स का अदद है। तो ये तो एक हल्का सा तारुफ था लोशो ग्रिड का। इसकी तो तफसीलात अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो यूट्यूब पर आपको इस हवाले से बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहां से मजीद इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ केस टेकिंग के हवाले से इसका जिक्र करना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि केस टेकिंग का अमल उसी वक्त शुरू हो जाता है जैसे ही डॉक्टर की नजर मरीज पर पड़ती है। मसलन आपकी पहली नजर मरीज पर पड़ी तो आपको फौरन पता चल गया कि मरीज मर्द है या औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है, और तकरीबन किस उम्र का है। तो ये सारी मालूमात जो है ये फौरी तौर पर रिपर्टरी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती हैं और डॉक्टर के दिमाग में रिपर्टरी एनालिसिस का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। तो यही मालूमात आजकल आप कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं और रिपर्टरी एनालिसिस का रिजल्ट देख सकते हैं। इस वक्त जो स्क्रीन पर आपको ये नजर आ रहा है ये दवाएं फ्लूरी की कार्ड रिपर्टरी से ली गई हैं। ये फ्लूरी की कार्ड रिपर्टरी जो है ये काफी अरसा पहले हमारे एक मरहूम दोस्त डॉक्टर अब्दुलरहमान साहब ने मुझे दी थी, और मैंने फिर इसको उस जमाने में जो डास बेस कारा प्रोग्राम आता था कंप्यूटर का, तो उसमें हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया था। और डॉक्टर अब्दुलरहमान साहब जो है वो कोशिश कर रहे थे कि डोरसाई की रिपर्टरी को इनकॉर्पोरेट करें और फिर हम ये डेटा जो है वो आपस में शेयर कर सकते थे। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये जो अलामत आपको नजर आ रही हैं ये फ्लूरी की कार्ड रिपर्टरी से ली गई हैं। और जब मैं लोशो ग्रिड का इस्तेमाल करता हूँ तो फिर मैं ये फ्लूरी की रिपर्टरी जो है इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो इस तरह से आप देखिए कि जैसे ही आपकी नजर मरीज पर पड़ी तो पता चला कि अगर वो इन्फेंट है तो उसकी ये दवाएं लिखी हुई हैं, आर्सेनिक, बेलाडोना वगैरह वगैरह, रेमेडीज फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। इसी तरह प्यूबर्टी की एज में है पेशेंट तो उसकी दवाएं फौरन आपके जहन में आ जाएंगी। अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो दवाओं की ये लिस्ट आपके सामने मौजूद है। अगर खातून है और प्रेग्नेंट है तो फौरी तौर पर ये दवाएं आप रिपर्टरी एनालिसिस में शामिल कर सकते हैं।
और अगर आप देख रहे हैं कि एक उधेड़ उम्र खातून है तो प्रोबेबली इसका क्लाइमेक्टेरिक पीरियड जो है वो शुरू हो चुका होगा, तो क्लाइमेक्सिस की दवाएं जो हैं वो आप प्रीपर्टी एनालिसिस में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से मरीज के चेहरे की रंगत, उसके बालों के रंग से आप दवाएं ले सकते हैं। चेहरे की रंगत क्या है, आंखों का रंग क्या है, स्किन का कलर क्या है, डार्क कलर का पेशेंट है, लाइट कलर का पेशेंट है, ब्रूने है या फेयर कम्प्लेक्शन है, तो इसकी दवाएं जो है वो आपको रिपर्टरी में मिल जाती हैं। तो इसी तरह ओल्ड लुकिंग है पेशेंट, फेस ब्लोटेड है, लिप्स उसके ब्लैक हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं, निचला होंठ फटा हुआ है या ऊपर का होंठ फटा हुआ है, ये प्लीथोरिक मिजाज का मरीज है, बिल्ड कैसी है मरीज की, मोटापे की तरफ माइल है या लीन और थिन पेशेंट है, तो इस तरह से ये जो फहरिस्त, तो ये काफी तवील है, ये जस्ट मैंने चंद बातें आपको बताई हैं तारुफ के लिए, वरना मरीज की हरकत व सकनात, उसके जेस्चर्स, उसका अंदाज तखातुब, अंदाज नशिस्त, चेहरे के तारो तासुरात, आंखों से झलकने वाली शख्सियत, यानी हर एक चीज जो है वो रिपर्टरी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जा सकती है। अगर आप सिर्फ आंखों के तासुरात पर ही बात करें तो इस पर पूरी एक किताब मुरतब हो सकती है। तो ये तो वो मालूमात थी जो सिर्फ एक नज़र देखने से ही आपके सामने आ जाती हैं और आप उसको अपने रिपर्टरी एनालिसिस में शामिल कर लेते हैं। अब अगला मरहला ये है कि आपने मरीज से उसका जैसे ही नाम पूछा, तो आप जानते हैं कि नाम का शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है, तो नाम के पहले हर्फ से मरीज की मिजाजी अदवियात जो है उनका आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे अगर मरीज का नाम ये अलिफ हे तोए मीम फे शीन जाल से शुरू होता है तो ये मरीज क्लोरिक मिजाज का होगा। इसी तरह बे वाओ ये नून साते जात से शुरू होने वाले नाम सैंग्विन मिजाज के होते हैं। जीम जे काफ सीन काफ से जोए से शुरू होने वाले नाम फ्लेगमेटिक मिजाज के होते हैं। दाल हे लाम एन रे हे एन से शुरू होने वाले नाम मेलनकोलिक मिजाज के होते हैं। तो जरा अपनी बात की वजाहत के लिए मैं आपको एक दो मिसालों से समझाने की कोशिश करता हूं कि मसलन एक मरीज आपके क्लिनिक में दाखिल हुआ, फर्ज करें ये खातून है और सपोज करें कि नाम उसका राबिया एजाज है, डेट ऑफ बर्थ उसकी हमने पूछी तो 1/1/1988 बताई गई और देखने से फौरन ही आपको अंदाजा हुआ कि मरीजा हमल से है। तो अभी हमने मरीज से कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ देखा और प्रेग्नेंट होने की वजह से प्रेगनेंसी की अद्वियात जो है वो हमने यहाँ पे ले ली हैं। इसी तरह नाम के पहले हर्फ से पता चला कि ये मेलनकोलिक मिजाज की मरीजा हो सकती है तो मेलनकोलिक दवाइयाँ ले ली, और इन दोनों को जब आप रिपर्टराइज करेंगे तो इसमें जो कॉमन अद्वियात हैं वो ये नीचे आपको नजर आ रही हैं, कैल्केरिया, कैल्केरिया फ्लोर, कास्टिकम, सराइनम, सीकेल, सीपिया और सिलेशिया। तो आपके जहन में एक खाका सा फौरन बन गया। अब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आपने उसका लोशोग्रिड अगर आप बनाएं, तो डेट ऑफ बर्थ से लोशोग्रिड बनाने का तरीका यह है कि ये लोशोग्रिड यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये नंबर लिखे हुए खानों में, तो डेट ऑफ बर्थ में ये पहला नंबर जो वन है इसको आप यही वन वाले खाने में लिख देंगे। अब इससे अगला नंबर जो है वो फिर वन है तो वो भी वन में इसी खाने में आ जाएगा।
तीसरी जगह पर फिर वन है तो ये वन भी इसी खाने में आ जाएगा, आगे जो नौ है तो वो नौ की जगह पर आ जाएगा, और आगे दो दफा आठ है तो ये आठ वाले खाने में दो दफा आठ हम लिख देंगे। तो ये ऊपर ये जो दवाएं आपको, ये पिछले जो दो अलामतें हमने ली थी उनसे जो कॉमन दवाएं निकली थी वो यहां पर मैंने दोबारा लिख दी हैं, कैल्केरिया, कैल्केरिया फ्लोर, कास्टिकम, सुराइनम, सीकेल, सीपिया और सिलेशिया। अब इस लोशो ग्रिड को अगर आप देखें तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये चार और तीन नंबर जो खाना है ये वुड से इनका ताल्लुक है, और अकपंक्चर जानने वाले हजरात जो है वो समझ सकते हैं कि वुड का ताल्लुक लिवर और गाल ब्लेडर से है। तो ये दोनों खाने जो हैं यहाँ पर खाली हैं, तो इसका मतलब है कि इस मरीजा में वुड जो है वो डेफिशिएंट होगा। इसी तरीके से अर्थ के दो खाने भी खाली हैं और मेटल से रिलेटेड दो खाने जो हैं वो भी खाली हैं। अलबत्ता जो वाटर का खाना है उसमें ये बार बार एक जो है वो रिपीट हो गया है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर एक जो है वो दो से ज्यादा मरतबा रिपीट हो तो ये ऐसा आदमी जो है या खातून जो है वो बातूनी होती है, यानी लोकेशियस होती है। तो इसीलिए यहां पर हमने कैंट रिपर्टरी से को देखें अगर आप, तो 63 पेज पर मेरे पास जो कैंट रिपर्टरी है उसके 63 पेज पर आपको ये सिम्टम मिलेगा ल्यूकोसिटी। और इन दवाओं को अगर आप देखें तो जो कॉमन दवाएं उसमें से निकलेंगी वो हैं कैल्केरिया, कास्टिकम, सुराइनम और सीकेल। वैसे भी अगर आप लोशो ग्रिड को के बारे में जानना चाहें तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है 492, इसको इंटेलेक्चुअल प्लेन कहते हैं। दूसरी जो लाइन है 357, ये हार्ट या इमोशनल प्लेन कहलाता है। और तीसरी लाइन जो है 816, ये प्रैक्टिकल प्लेन कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप वर्टिकली इनको देखें तो ये 4, 3 और 8 ये थॉट प्लेन कहलाता है। 951 ये विल प्लेन कहलाता है। तो आप जो होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान हैं वो फौरन उनके जहन में ये बात आ जाएगी कि डॉक्टर केंट ने लिखा है कि एक इंसान जो है वो बुनियादी तौर पर दो चीजों का मजमुआ है, एक विल और दूसरा अंडरस्टैंडिंग। तो इन दरमियान वाली जो रो है इससे आप मरीज की विल और को देख सकते हैं, और जो पहली रो है इससे आप उसका थॉट प्रोसेस या अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा कर सकते हैं। तो इसी तरह ये 276 जो है ये एक्शन प्लेन कहलाता है। तो इस मरीजा के हवाले से अगर आप देखें तो ये 276 ये तीनों मिसिंग है, यानी गोया एक्शन प्लेन जो है इसमें बहुत ही डेफिशिएंसी है। और इसी तरीके से 357 वाली रो जो है ये भी खाली है, तो इसका मतलब ये है कि ये इमोशनली स्टेबल खातून नहीं है और मेलनकोलिक मिजाज की तरफ ये इशारा दे रही है। तो जो नाम से भी जाहिर है और उसके लोशो ग्रेड से भी हमें इसका अंदाजा हो रहा है। तो जब ल्यूकोसिटी को हमने लिया तो ये तीन दवाएं आ गई। अब हमने मरीजा से पूछा उसके आने की वजह, तो उसने बताया कि वो हमल से है और उसको पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में आमतौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान जो दवा तजवीज करते हैं वो है कालनसोनिया, क्योंकि हमल के दौरान होने वाले बवासीर, पाइल्स या हेमराइड्स कि ये एक बहुत बड़ी दवा है। लेकिन हमने जब मरीजा की ये अलामत यानी हेमराइड्स एग्रीवेटेड बाय वॉकिंग यानी चलने से उसकी तकलीफ में इजाफा होता था, तो इसको जब हमने कैंट की रिपोर्ट में देखा 621 नंबर पर, तो दो दवाएं इसमें से कॉमन आई, कैल्केरिया और कास्टिकम। तो अब अगर आप
कास्टिकम को पढ़ें एलन की नोट्स में, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये मेलनकोलिक मिजाज की दवा है और जो मरीजा की तकलीफ है या कंप्लेंट है उसकी भी ये स्पेसिफिक मेडिसिन है। तो लिहाजा हम फौरी तौर पर अंदाजा कर लेंगे कि इस मरीजा की दवा जो है वो कास्टिकम बनती है। तो ये एक मिसाल से आपने देखा कि हमने मरीज से पहले तो कुछ नहीं पूछा और उसके सिर्फ बज़ाहरी सूरत हाल से दवाओं का अंदाज़ा किया, और जब नाम पूछा और डेट ऑफ बर्थ पूछी तो उससे पूरी शख्सियत का एक फ़ोटो हमारे सामने आ गया, और जैसे ही उसने बीमारी को बताया तो उसकी दवा जो है वो फौरन बबल अप होकर सामने आ जाती है। एक और मिसाल देता हूँ, ये एक और पेशेंट है, नाम इनका सलीम है। तो इन साहब को जो है आप ये स्लाइड जो है वो आगे चली गई है, मैं इसको दोबारा से शुरू करता हूँ ताकि आप देख सकें। ये एक पेशेंट है जिसका नाम सलीम है। तो जैसे ही मरीज को हमने देखा तो देखते ही अंदाज़ा हुआ कि फिजिकली वो मोटापे की तरफ मायल है, तो इसलिए हमने जो ओबेसिटी की दवाएं हैं वो अपने रिपर्टरी एनालिसिस में शामिल कर ली। दूसरा, पहली नज़र से ये अंदाज़ा हुआ कि मरीज उधेड़ उम्र का है और बुढ़ापे की तरफ मायल है, तो इसलिए ओल्ड एज की अद्वियात जो है वो भी हमने रिपर्टरी एनालिसिस में शामिल कर ली। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये ओल्ड एज की दवाएं लिखी हुई हैं और ये मोटापे की दवाएं लिखी हुई हैं, यानी एडिपोसिस की। तो नाम चूंकि सलीम है और एस से शुरू होता है, सीन से शुरू होने वाले नाम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये फ्लेगमेटिक मिजाज की तरफ इशारा करते हैं। तो अब सिर्फ ये तीन अलामात जो हैं इनको आपने जब एनालिसिस किया तो जो कॉमन अद्वियात इनमें से निकल रही हैं वो ब्रेटाकार्ब, कैल्केरिया, काबोवेज, लैकेसिस, लाइकोपोडियम, नेट्रोकार्ब और सल्फर हैं। तो अभी तक आप देखें कि आपने सिर्फ मरीज का नाम पूछा है और उसके एज और उसकी ज़ाहरी जो जिस्मानियत है उसको देखकर आप फौरन चंद अद्वियात कॉमन जो है वो आपके सामने आ गई हैं। अब अगर हम इसकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लें, जो कि 22/2/1962 है, 22/2/1962, तो इसका जब हम लोशो ग्रेड बनाते हैं तो उसमें आप देखें कि ये ऊपर वाली जो रो है जिसको हमने इंटेलेक्चुअल प्लेन कहा है अपने शुरू की गुफ्तगू में, कि ये ऊपर वाली रो जो है ये इंटेलेक्चुअल प्लेन को जाहिर करती है, तो इस ये रो जो है ये फुल है, यानी इसमें से कोई खाना खाली नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट जो है इंटेलेक्चुअली बहुत कीन होगा। लेकिन इसके जो ये नंबर दो वाला खाना है, यानी मून से रिलेटेड जो खाना है, इसमें ये दो कई दफा रिपीट हुआ है। इससे पता चलता है कि ये मरीज जो है इसमें शाइनेस होगी, इनहिबिटेड और यील्डिंग डिस्पोजिशन का होगा। तो जब हमें ये अंदाजा हुआ तो अब इसका आप देखें कि जो इमोशनल प्लेन है वो खाली है, तो इमोशनली भी कुछ स्टेबल नहीं है। लेकिन ये 6 नंबर दो दफा आया है, जो कि
ये जाहिर करता है कि ये तानाशाह है और इसकी जिंसी ख्वाहिश भी ज्यादा होगी। तो आप देखें कि फौरी तौर पर डेट ऑफ बर्थ पर एक नजर डालने से ही आपको कई चीजों का अंदाजा हो गया कि इसमें ये इमोशनल प्लेन जो है ये खाली है, इसमें ये वुड का एलिमेंट एक नहीं है, इसी तरह अर्थ के ये दो खाने खाली हैं। तो गोया के उसकी शख्सियत का एक एक्सरे आपके सामने आ जाएगा। और जो कॉमन दवाएं इनमें से हमने ली, अगर इस अलामत को भी शामिल कर लें, शाइनेस इनहिबिटर यील्डिंग डिस्पोजिशन को, तो ये ब्रेटाकार्ब, कैल्केरिया, कार्बोविज, लाइको, नेट्रम कार्ब और सल्फर हमारे सामने आती हैं। तो अब हमने मरीज से ये सवाल किया कि उसके आने की वजह क्या है। तो मरीज ने बताया कि उसने दूसरी शादी की है और वो अपनी जिंसी कमजोरी की वजह से परेशान है। तो अब हम देखें कि इन दवाओं में से जो होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान हैं वो समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सी दवा जो है वो मरीज के लिए सूटेबल हो सकती है। मसलन अगर आप एलन की नोट्स को पढ़ें तो उसमें ये जुमले लिखे हुए हैं कि फॉर पर्सन्स इंटेलेक्चुअली कीन बट फिजिकली वीक। तो आप देखेंगे ये लोशो ग्रेड जो है वो किस कदर खूबसूरती से इस अलामत को जो है वो जाहिर कर रहा है कि इंटेलेक्चुअली ये बंदा जो है वो बहुत ही शार्प होगा और कीन होगा, लेकिन फिजिकली जो है उसकी वीकनेस जो है वो जाहिर है। और उसके अलावा उसके एलन की नोट्स में ही आपको मिलेगा या बोरिक में प्रोबेबली के नो इरेक्टाइल पावर एंड इम्पोटेंसी। तो अब यहाँ मैं दवाई बताने के बजाय ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान हैं उनके लिए ये बात छोड़ देता हूँ कि इन दवाओं में से वो देखें कि इस मरीज की कौन सी दवा बनेगी। तो दरअसल ये मिसालें देने का मकसद ये बताना था कि किस तरह मुख्तलिफ उलूम जो हैं उससे आप होम्योपैथी में दवा को तलाश करने में आप मदद हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप इन उलूम का ज़रूर मुतायला करें, लेकिन फौरी तौर पर इसको मरीजों पर अप्लाई करना ना शुरू कर दें, क्योंकि ये तो इस इल्म की सतह को जस्ट स्क्रैच किया गया है। ये बहुत गहरा इल्म है और इसके लिए काफ़ी रियाजत की ज़रूरत होती है। हाँ, जब आप कॉन्फिडेंट फील करें तो फिर आप ज़रूर इस तरीक़ाकार को आज़माएं। और लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि जो दवा आप सिलेक्ट करें वो मरीज़ की मजमूआ जो अलामात हैं उनको मद्देनज़र रखें, और जब भी आप रिपर्टरी एनालिसिस करें अपनी दवा को मेटेरिया मेडिका से ज़रूर कन्फर्म करें, क्योंकि बाज़ औक़ात रिपर्टरी एनालिसिस जो है वो डिसीविंग हो सकता है। तो इसी तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी के इल्म को जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एस्ट्रो होम्योपैथी जो है वो आप बकायदा एक सब्जेक्ट की हैसियत हासिल कर चुका है, और फ्रेंच लिटरेचर में आपको एस्ट्रो होम्योपैथी के हवाले से काफ़ी मवाद जो है वो मिल जाएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से दवा होम्योपैथी की तलाश नहीं भी करते हैं तो आप जायचे के दूसरे घर से मरीज की दवा जो गिजा है वो आप तजवीज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इल्म रमल जानते हैं तो दूसरी शक्ल से और चौदहवीं शक्ल से, जो कि दूसरी शक्ल की गवाह समझी जाती है, तो उससे आप मरीज की गिजा जो है वो तजवीज़ कर सकते हैं। तो अगर मौका मिला तो मैं मुख्तलिफ ये जो उलूम हैं इनके ज़रिए होम्योपैथी में आपको क्या हेल्प मिल सकती है इसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। शुक्रिया।